कभी आपने सुना है कि कोई अधिकारी खुद पर ही जुर्माना लगा ले, लेकिन गाजियाबाद में डीएम ने ऐसा ही किया है। गाजियाबाद के डीएम ने खुद पर ही जुर्माना लगा दिया है। जी हां, गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे को पश्चाताप हुआ है। आप सोच रहे होंगे पश्चाताप होने पर जुर्माना क्यों लगाया गया, तो आपको बता देते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, डीएम को एक बात का पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर जुर्माना लगा दिया। दरअसल जिला मुख्यालय में जहां डीएम बैठते हैं उसी दफ्तर की छत की टंकी ओवरफ्लो हो रही थी और काफी देर तक होती रही, जिस पर किसी की नजर नहीं गई और डीएम ने उस टंकी को खुद ओवरफ्लो होते हुए देख लिया। उसके बाद उन्होंने पूरे महकमे पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। ये जुर्माना सभी के हिस्से में आया है, जिसमें डीएम खुद भी शामिल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पश्चाताप होने पर अपने ऊपर ही जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश में ये डीएम पहले हैं जिन्होंने खुद पर ही जुर्माना लगाया है। हालांकि उनका कहना है कि ये रुपया जल संरक्षण के लिए भेजा जाएगा। और वो कल हम जब ऑफिस आए तो वो 10 मिनट से ओवरफ्लो कर रहा था, तो मेरा मानना है कि उसमें जल संरक्षण का अभियान भी चल रहा है, जल को बचाना भी चाहिए हमें। तो जितने तमाम कर्मचारी भी वहाँ से गुजरते हैं, तमाम अधिकारी भी गुजरते हैं, किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, ये उचित बात थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 10,000 रुपये का पेनल्टी इम्पोज की और वो पेनल्टी सारे अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिसमें मैंने खुद को उसमें शामिल किया और 100 रुपये प्रति अधिकारी, 70 रुपये प्रति कर्मचारी ये धनराशि एकत्रित हुई है, जिसे हम जल संरक्षण के जो अभियान चल रहे हैं उसमें हम खर्च कराएंगे। सर, आगे भी कुछ ऐसे अधिकारियों को अपील जल संरक्षण को लेकर? जल संरक्षण के लिए संवेदनशील सबको होना चाहिए। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में जल संरक्षण का आंदोलन चलाया जा रहा है, बूंद बूंद पानी बचाने का आह्वान है, तो थोड़ा सा ध्यान इस पर लोगों का होना चाहिए और लोगों को अपनी आदत और प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। इसी का एक संदेश देने के लिए हमने